होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है, मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं, बात करने कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं, या तो किसी वीडियो से रिलेटेड कोई बात करनी कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया उसको भी प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो ये मेन चीज़ है, इसको आप लोगों ने करना। काफ़ी लोग क्लेम कर रहे थे कि भाई आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, इसी वजह से नहीं मिलता। तो यार आज इंडिया ने बहुत ही बड़ी चाइना को उल्लू बनाया है। अच्छा, हाँ चाइना मतलब कि उल्लू बना डाला है। देखते हैं वजह कैसे उल्लू बनाया। अब ये मैं वीडियो का टाइटल बताता हूँ, हाउ इंडियन सोल्जर्स चेकमेट्स चाइनीज सोल्जर बाय प्लेइंग माइंड गेम। देखते हैं वजह, अब देखते हैं कि भाई मतलब के ये कैसी इन लोगों ने इनके साथ माइंड गेम खेली और कैसे इनको बेवकूफ़ बनाया है, ये तो वीडियो देख ही पता लगेगा। और वैसे भी इसमें कोई शक नहीं, चाइनीज़ बेवकूफ़ मतलब समझदार भी हैं लेकिन बेवकूफ़ भी बहुत है उनमें। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं जी। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट डाउन कर लेते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देखो बातचीत हो रही है ना, ना पता नहीं क्या लगे, ये तो पूरे व्हाइट चिट्टे हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है। सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत से लोगों के अंदर वहम बड़ा हुआ है। वहम क्या है जी, भारत की सेना चीन की सेना के सामने टिक नहीं सकती है। उन लोगों के वहम कैसा वहम है, ये वीडियो आज निकलकर सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की बहुत तारीफ की जा रही है, और तारीफ करना बनता भी है यार, क्योंकि ये चॉकलेटी जो सेना है ना बहुत हाथ पैर मारती है, बहुत उछलती है, बहुत नाटक करती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन जब इंडियन आर्मी के जो सैनिक हैं वो जवाब जब देते हैं ना तो इन चीनी सैनिकों को समझ नहीं आता है कि भारतीय सैनिक क्या बोल रहे हैं। दोस्तों ऐसा इंसिडेंट इस वीडियो के चलते निकल कर आ रहा है। ये तो है, ये चीनी सैनिक भारतीय सैनिक से उसका नाम पूछ रहा है। अच्छा, हालांकि ये वैसे तो खड़ा है अपनी जगह पर खड़ा है, भारतीय सैनिक ने इससे नाम पूछा कि आप अपना नाम बताओ, चीनी सैनिक को बोला। चीनी सैनिक कहता है कि पहले आप अपना नाम बताओ। अच्छा। यानी कि ये अपनी बात को बड़ा दिखाना चाहता है कि हाँ मैं बड़ा हूँ, मेरा देश बड़ा है तो आप छोटे हो, पहले तो आप बताओ, आप बताओ। यानी कि इस तरीके से लैंग्वेज के चलते एक गैप जो है, उस गैप के चलते भी ये एक मैनेज करने की सिचुएशन को देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भारतीय सोल्जर ने कहा कि पहले आप अपना नाम बताओ, तो इसके ऊपर वो कहता है नहीं पहले मतलब आप बताओ। इंडियन आर्मी के जवान ने कहा, ये इंडियन आर्मी के जो जवान है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान है। अच्छा, जिन्होंने लिया था गालवन वैली के अंदर इन्हें चीनी सैनिकों से। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरा नाम मेजर किन कुमार है। किन कुमार, ये कैसा नाम है, हमने सुना नहीं है इंडियन आर्मी के ये बात करने का तरीका है, मेजर किन कुमार नाम है। तो उसे समझ नहीं आया चीनी एक सैनिक को या फिर चीनी डॉक्टर को कौन है ये हमें नहीं पता है, लेकिन उसने कहा कि आपका नाम क्या है अगर दोबारा बताओ, तो हमारे सैनिक ने कहा कि मेजर किन कुमार। तो इसके ऊपर हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपका नाम क्या है, तो इसके ऊपर चीनी सैनिक ने अपना नाम बताया। हालांकि चीनी सैनिक का नाम सुनकर लगता है कि हाँ वाक्य में ये उसका नाम होगा, लेकिन इंडियन आर्मी के सैनिक का ये नाम नहीं हो सकता कुमार। यही कारण है कि चीनी सैनिकों की जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है कितनी एक है वो इस वीडियो से पता लग रहा है। खैर दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे, इंडियन आर्मी को कितने रैंक देना चाहोगे चीनी सोल्जर को बुद्धू बनाने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 100 में से 100 बिल्कुल। फ्रंटियर फोर्स के जो जवान अपना नाम नहीं बताया, चीनी सैनिकों से इस तरीके से बात करते हैं। अच्छा, किन कुमार, मेजर किन कुमार, ओ भाई साहब इधर हो ये वीडियो खत्म। मतलब के वो एंड में क्लिप भी बताया, वो पूछ रहे कि भाई आपका नाम क्या है, कहता पहले आप बताओ, फिर इन्होंने पूछा कि आप बताओ,
फिर चैलेंज करने आप बता फिर इसका माय नेम इज मेजर किन कुमार किन कुमार है ही कोई नाम नहीं तो नहीं, नहीं है ना वो उसका बताया ना इनके नाम होते चाइनीज कैसे चाइनीज के नहीं इस तरह किन कुमार तो नहीं होता नहीं कुमार तो आता है इंडिया का ना लेकिन किन भी नहीं होता किन भी नहीं होता इनके झी चांग दांग दांग पता नहीं इस तरह के कोई नाम होते हैं तो उसने फिर जाके अपना ओरिजिनल नाम बता दिया मतलब की सही उल्लू उसको बनाया मतलब की जो भी सैनिक था जो भी था इसकी हिंदी प्लस वाला भी हंस हंस के कहता है कि भाई क्या बेवकूफ खूब बनाया है उनको और इसमें कोई शक नहीं मैं कहता हूँ कि चाइनीज सोल्जर की सही उतार दी है भाई दिमाग के मामले में इंडियंस को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता बिल्कुल नहीं छोड़ सकता वजह ये बात तुम ठीक कोई पीछे नहीं छोड़ सकता भाई इनको ये असल मसला है चाइनीज को आता कुछ भी नहीं है ये जबान भी नहीं समझते ना उर्दू किधर इंग्लिश आती हो तो फिर बात है ज्यादातर चाइनीज ही बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल चाइनीज जबान बड़ी मुश्किल है वो फिर इंडिया वाले तो इंग्लिश बोलेंगे उर्दू में या हिंदी में बात करेंगे यही हो सकता है लेकिन चाइनीज जबान तो नहीं सीख सकते वही ना यार मतलब कि इसको ऐसा उल्लू बनाया कि पता ही नहीं चला वही ना उसे भी पता नहीं चल रहा ये क्या कह रहा है और जब उसने कीन कुमार बोला तो वो भी कहते व्हाट कीन कुमार ये क्या कहते मेजर व्हाट मेजर किन कुमार मतलब के ऐसा मुश्किल नाम था वो भी लेते हुए भाई सोच रहे होगे ये मैंने क्या पूछ लिया है यार वैसे यहाँ पे बहुत दिमाग यूज किया है इंडियन आर्मी ने मतलब मजाक अगर साइड पे रखा जो क्या दिमाग यूज किया मतलब कि उसको अपना गलत नाम बताया हाँ ना सही नाम नहीं बताया और ये वीडियो क्लिप पूरे इंडिया में वायरल भी हो रहा है लोग भाई जाए मजाक भी फिर चाइनीज सफेद लबास पहना हुआ था यार ये पता नहीं क्या कोई मतलब के कोई डॉक्टर भी हो सकता है कोई सैनिक भी हो सकता है जाहिर सी बात उस एरिया में ठंड बहुत है कोरोना से बचने के लिए कोरोना ने फैलाया भी नहीं है और बच भी हो दी रहे हैं नहीं ये मुझे लगता है कि वो सर्दियों से बचने के लिए ना उन्होंने वो कोट पहने बिल्कुल ये तुम्हारी बात ठीक है उधर लद्दाख वाली साइड पे पहाड़ी साइड पे उधर ठंड भी बहुत पड़ती है ये उधर से भागते हैं फिर ऐसे मोटे लबास दिए हैं ताकि कोई थोड़ा बहुत इंडिया का फौजियों का लबास आम सा लबास था और एक कोट पहना हुआ था सिंपल सा वो सर्दी में उनको कुछ नहीं होता वजह देसी खुराक देसी सब कुछ खा पी के डंग डंग हो के खड़े हो जाते हैं वही ना उनको तो टेंशन ही नहीं होते जो चाइनीज है फिर आपको पता है और कितने ज्यादा चाइनीज भी बाबा पहले भी काफी ज्यादा लड़के हैं पिछले साल बड़ी डेथें हुई हैं उनकी सर्दी में बताया नहीं है ऑफिशियल तौर पे लेकिन अंदरूनी तौर पे काफी ज्यादा भी बहुत डैमेज हुए हैं दो याद नहीं हुए थे एक की डेथ हो गई थी एक की तबीयत खराब थी लेकिन चलो वो ठीक हो गए लोग आम नागरिक हैं वहाँ के भी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए लेकिन बस यार चाइनीज गवर्नमेंट अगर सुधर जाए ना तो हालात भी ठीक हो जाए बिल्कुल सही पर वजह ठीक उधर इंडिया की अफवाज भी इधर चाइना की अफवाज भी अगर तनाजात हल हो जाते हैं तो दोनों सामने अमन और शांति नजर आए अमन शांति हो जाएगी हम भी यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया में भी और उधर भी हो जाए सारे पास अमन शांति हो और लोग खुशहाल जबरदस्त जिंदगी गुजारे बिल्कुल तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस बेवकूफ बनाने के बारे में चाइनीज को इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बस ख्याल रखना तो बाय।